हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरीब और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स के बारे में बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि कभी आपने सोचा है कि 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 जो 26 लेटर्स हैं, इनका मकसद क्या है? एक्चुअली बात यह है कि इन्हें कैटेगराइज़ किया गया है सिर्फ इनके डिफरेंट साउंड्स की वजह से। साउंड यानी आवाज़ होती क्या है? साउंड जब भी हमारी सांस हमारे लंग्स में अंदर जाती है और बाहर आती है, तो वो एक सर्टेन पोजीशन पे हमारे वोकल कॉर्ड या फिर हमारे मुंह के अंदर आने वाली चेंजेस की वजह से कुछ साउंड्स में भी चेंजेस आते हैं। उसी की बेसिस पर ये डिफरेंट साउंड्स बनाए गए हैं, इन्हें एक नाम दिया गया है। सो उसी कैटेगरी में, उसी के बारे में अगर बात की जाए, तो उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है वाउल्स एंड दूसरी कैटेगरी है कॉन्सोनेंट्स। तो इन्हें इन कैटेगरीज में क्यों ढाला गया है? दो कैटेगरीज की इनकी वजह सिर्फ यही है कि वाउल्स को साउंड करते वक्त, बोलते वक्त हमारे मुँह या फिर वोकल कॉर्ड में कोई ब्लॉकेज नहीं आता, मतलब कोई रुकावट नहीं आती। जबकि कॉन्सोनेंट्स को बोलते वक्त कभी ज़्यादा या एटलीस्ट थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आती है। सो वाउल्स, अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देखे जाएं, तो साउंड की बेसिस पर देयर आर 5 वाउल्स। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। जैसे कि एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब जो सर्कस में करतब दिखाते हैं उन्हें एक्रोबेट कहा जाता है। सो ये वर्ड एक्रोबेट शुरू होता है ए साउंड से, मतलब अ साउंड से, एक्रोबेट। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट स्टार्ट्स विद, स्टार्ट होता है ई से, ई इज़ आल्सो अ वाउल, ई भी एक वाउल है। इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब होता है जिस चीज़ की कोई बाउंड्री ना हो, लिमिटलेस। यहाँ पर आई एक वाउल है। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, रुकावट में ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी एक वाउल है। एंड द लास्ट इज़ अनबिलीवेबल, मतलब कोई चीज़ हैरान कुन, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसका पहला वर्ड अनबिलीवेबल का यू है, यू इज़ ऑल्सो अ वाउल। ये पांच ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाउल्स हैं। इसके अलावा एक छठा वाउल भी है जिसे आधा वाउल कहाँ कंसीडर किया जाता है, वो जो कि है वाई। वाई के दो डिफरेंट साउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे उसे हाफ वाउल कहा जाता है। इसके दो साउंड्स कौन कौन से हैं? इसका एक इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, एक इसका वाउल साउंड है। इसके दोनों कैटेगरीज में इसके साउंड्स आते हैं, इसी वजह से इसे हाफ वाउल कहा जाता है। तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? ऑल लेटर्स अदर देन वाउल्स, वाउल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बचने वाले तमाम जो बाकी हमारे 21 लेटर्स हैं, वो तमाम कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि कभी कभी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाउल का साउंड दे रहे होते हैं, और कुछ वाउल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट्स का साउंड दे रहे होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं आपके साथ चंद एक शेयर ज़रूर करूँगा। जैसे कि ऑनेस्ट, ये वर्ड स्टार्ट होता है एक कॉन्सोनेंट जो कि एच है, लेकिन इसका साउंड ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, इस वजह से इसे हम लोग ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर भले ही ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसे हम लोग वाउल कंसीडर करेंगे। और आर्टिकल्स यूज़ करते वक्त, आर्टिकल्स ए एंड द, हमेशा याद रखिए कि हम लोग हमेशा वाउल्स के साथ एन, जबकि कॉन्सोनेंट्स के साथ ए यूज़ करते हैं, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। और जबकि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होता है एक वाउल से, यू एक वाउल है, बट यू का साउंड या साउंड है और इसमें एक ब्लॉकेज आ रहा है, इसी वजह से इसे कॉन्सोनेंट साउंड कंसिडर किया जाएगा और इसे हम लोग इससे इसके साथ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। और तीसरी चीज़ है वन, ओ भी एक वाउल है लेकिन इसका साउंड चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से हम इसके साथ अ यूज़ करेंगे, जैसे कि अ वन साइडेड, अ वन रूम्ड हाउस, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नेवर गेट कन्फ्यूज्ड, ये तमाम चीज़ साउंड्स की बेसिस पे ये दो कैटेगरीज हैं, और आप खुद देख सकते हैं जब भी आपको ए और एन आर्टिकल्स यूज़ करने हो या फिर इनके साउंड की बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज करना हो, तो आप इन्हें
देख सकते हैं। आई होप आपने आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।